नमस्कार, मैं हूं अनिता दिनेश, आर्टिस्ट हूं, पेंटिंग्स बनाती हूं। पृष्ठभूमि में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मेरी बनाई हुई एक पेंटिंग जिसका टाइटल है बनारस, सोल ऑफ द सेक्रेट सिटी। बनारस पे बनी हुई ये पेंटिंग है और इस वीडियो में मैं आपको पेंटिंग्स भी दिखाऊं। साथ साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जब आप एक बिगिनर होते हैं, नए आर्टिस्ट होते हैं, तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है ताकि आप अपनी आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखा सकें, पहुंचा सकें। क्योंकि ऐसे समय में आपको लोगों के रिएक्शंस जानने के लिए, आपकी आर्ट के प्रति उनका क्या नज़रिया है, आपकी आर्ट उनको पसंद आ रही है या आपकी आर्ट और लोगों के कंपेरिजन में किस तरह की है, ये सब जानने के लिए आपको बाज़ार में उतरना ज़रूरी है। और क्योंकि आर्ट सप्लाईज जो होती हैं वो खासी एक्सपेंसिव होती हैं, तो आप लगातार पेंटिंग करते रह सकें, अपनी आर्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकें, इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ अर्न करते रहें। मैं बिगिनर आर्टिस्ट के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगी, कुछ ऐसी साइट्स बताऊंगी, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जहां पर वो अपनी पेंटिंग लिस्ट करके एक रिस्पेक्टेड अमाउंट पा सकते हैं और एक्सपोजर पा सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं आर्ट के बारे में, लोग किस तरह की आर्ट को पसंद करते हैं, लोग किन कीमतों पे आपकी आर्ट को लेना पसंद कर रहे हैं। ये सारी बातें आप तभी जान पाएंगे, लोगों का नज़रिया आप तभी जान पाएंगे जब आप अपनी आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाएंगे। एक तो देश में गैलरीज की संख्या भी सीमित होती है, दूसरा अक्सर गैलरीज में साल, अच्छी जो गैलरीज हैं वो कई कई साल की एडवांस बुकिंग में चलती हैं। बहुत सारे नए आर्टिस्ट होते हैं जो शुरू में बहुत सारा काम कर रहे होते हैं पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता है, कहाँ अपनी पेंटिंग्स लोगों को दिखाएं, कहाँ डिस्प्ले करें और कहाँ पे अपने एक रीजनेबल प्राइस पर उनको लिस्ट कर सकें, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन भी मिलता रहे, उनको फाइनेंशियल गेन भी होता रहे और एटलीस्ट वो अपनी पेंटिंग की जो सामग्री है, जो सप्लाईज हैं आर्ट की, उनका ही खर्चा वो निकाल सकें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जहाँ आप ऑनलाइन अपनी पेंटिंग को एग्जिबिट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन आर्टिस्ट के लिए मोजार्टो एक बहुप्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी पेंटिंग को बेचने के लिए लिस्ट कर सकते हैं। और किस तरह से लिस्ट करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है, आपको किस तरह से पेंटिंग उन तक पहुँचानी है, ये तमाम जानकारियाँ आपको इनके वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वेबसाइट पर जा कर के स्क्रोल करें और वहाँ पर जा कर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। मोजार्टो की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूरी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मोजार्टो जैसे प्लेटफॉर्म तमाम आर्टिस्ट को तमाम तरह के फीचर्स में पब्लिश करके उनको प्रसिद्ध होने का मौका देते हैं, लोगों को उनको जानने का मौका देते हैं और साथ ही साथ आपकी पेंटिंग को एक अच्छे दर्शक वर्ग, एक अच्छे आर्ट कलेक्टर वर्ग के सामने आपकी पेंटिंग प्रस्तुत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर सजाने के लिए, अपने कलेक्शन के लिए और इंडियन आर्ट कलेक्ट करने के लिए मोजार्टो की हेल्प लेते हैं और उनकी वेबसाइट्स पर पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है इट्सी। इट्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में बहुत ही अनयूजुअली खूबसूरत कलेक्टेबल आइटम्स, पेंटिंग्स और तमाम इस तरह की चीज़ों को बेचने का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और दुनिया भर के जो कलेक्टर्स होते हैं वो इट्सी पे अपने पसंद के आर्टिफैक्ट्स, अपने पसंद के कलेक्टेबल आइटम्स को तलाश करते हैं। आर्ट्स उनमें से एक है और आप इट्सी इंडिया पर आप अपनी पेंटिंग्स को दुनिया भर के आर्ट कलेक्टर्स, आर्ट को चाहने वाले, आर्ट को पसंद करने वाले और ख़रीदने वाले लोगों के लिए लिस्ट कर सकते हैं। सी एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के यूनिक कलेक्टेबल आइटम्स को बेचने और ख़रीदने वाले लोगों को एक मार्केट प्लेस प्रदान करता है, उनको कनेक्ट करता है। आप इट्सी इंडिया पर अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी पेंटिंग्स को, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को सेल करने के लिए डाल सकते हैं और जहां पर आपको बैंकिंग के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, अलग अलग पेमेंट मेथड्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके बदले में ये तमाम जो साइट्स होती हैं वो कुछ कमीशन चार्ज करती हैं और हर साइट का जो रेट है वो अलग अलग होता है और इनमें पेंट अपने आइटम्स को सेल के लिए, अपनी पेंटिंग्स को सेल के लिए लिस्ट करने की जो प्री रिक्विजिट्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो आपको इनकी वेबसाइट पर जा कर के पता चल जाएंगे। इसके अलावा आप गूगल सर्च में जा कर के हाउ टू सेल पेंटिंग्स ऑन इट्सी टाइप करें और तमाम आपकी जो शंकाएं होती हैं और जो आपकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से आपको जवाब भी मिलेगा और
आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के भी आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको इनके संग संपर्क करके अपनी पेंटिंग सेल के लिए लिस्ट करनी है। 86 भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है दुनिया भर के आर्टिस्ट के लिए अपने आर्ट प्रोडक्ट्स को सेल करने का, दुनिया भर के आर्ट कलेक्टर्स और आर्ट को पसंद करने वाले लोगों के सामने ले जाने का। आप इनके साथ मिल करके अपनी ओरिजिनल आर्ट के प्रिंट्स को भी सेल कर सकते हैं और इनका जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत सिक्योर है और इसके साथ ही साथ ये एक लेजिटिमेट साइट है जिस पर कि आप बेफिक्र होकर के अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकते हैं। और इसके बारे में भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां पर इनकी वेबसाइट पर जाकर के आप इनके संग कैसे जुड़े, क्या सिस्टम होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, किस तरह से कौन सा पेमेंट गेटवे आप चाहेंगे, वो सारी चीजें जान करके आप इनके साथ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकते हैं। अपने स्क्रीन पर आप किस तरह से अपनी पेंटिंग्स को सोसाइटी 6 के संग सेल कर सकते हैं, किस तरह से उनके प्रिंट्स को सेल कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियां आपको स्क्रीन पर आती हुई दिख रही। फिजडी अफोर्डेबल इंडियन आर्ट का एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहां पर अफोर्डेबल क्वालिटी की आर्ट आपको आसानी से मिलती है और आप अपने अगर नए आर्टिस्ट हैं तो अपने आर्ट वर्क को वहां पर अपलोड कर सकते हैं, अपने नाम से भी कर सकते हैं और दूसरे नामों से भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक प्रक्रिया को पालन करना पड़ेगा जहां पर कि आप अपनी 5 पेंटिंग की तस्वीरें इनकी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और अगर इनकी टीम को आपकी पेंटिंग्स वर्थ लगेंगी या सही लगेंगी बेचने के लिए तो वो आपको संपर्क करेंगे और उसके बाद आपको अपनी पेंटिंग्स की तस्वीरें अपने प्राइजेस के साथ इनके यहाँ अपलोड करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये तमाम वेबसाइट्स आपकी जब पेंटिंग्स बेचती हैं तो आपसे कमीशन लेती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो लिस्ट कराने की एक फीस लेती हैं। तो अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर के आप इनकी वेबसाइट को खोल सकते हैं और इनके यहाँ किस तरह से पेंटिंग लिस्ट कराएं, प्रक्रिया कौन सी फॉलो करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और तमाम पेमेंट वगैरह से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। साक्षी आर्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए, खासकर उन आर्टिस्ट के लिए जिन्होंने अभी किसी गैलरी के थ्रू अपनी पेंटिंग्स नहीं बेच रहे हैं, ओपन मार्केट में वो पेंटिंग्स बेचते हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के वो दुनिया भर के बायर्स के सामने अपनी पेंटिंग्स को रख सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। पर मेरा जो मानना है वो ये है कि ये एक ओवर सैचुरेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हजारों हजार आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स लिस्ट करा रखी हैं और ये तमाम जो नए आर्टिस्ट हैं उनकी इतनी ज़्यादा भीड़ है इस वेबसाइट पे कि आपको चांस मिले इसकी जो संभावना होती है वो कम होती है। पर क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पे ऑलमोस्ट दुनिया भर के तमाम इमर्जिंग आर्टिस्ट ने अपने को लिस्ट करा रखा है, उनके आर्टवर्क अवेलेबल हैं, तो इसलिए आप अगर इस पे लिस्ट कराएंगे तो आपको एक्सपोजर तो मिलेगा ही मिलेगा, उनके वाइड एक्सपोजर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और किस तरह से अपलोड करना है, क्या प्रक्रिया होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी जो डिटेल है वो आपको इनकी वेबसाइट पे जा करके सेल योर आर्ट विद साक्षी में जा करके आपको पता चल जाएगी कि आप किस तरह से साक्षी के साथ अपनी पेंटिंग्स को सेल कर सकते हैं। इस सेक्शन में जाइए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आर्टवर्क को सेलिंग के लिए लगा सकते हैं और आप अपनी छोटी पेंटिंग्स को खास करके अपलोड कर सकते हैं। अमेज़ॉन के संग एज अ सेलर आप जुड़ सकते हैं और अपनी पेंटिंग्स को कॉमर्शियल रेट में बेच सकते हैं। आप उनके प्रिंट्स को भी बेच सकते हैं और अमेज़ॉन के साथ जुड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्या क्या उसके स्टेप्स होंगे, ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन की साइट पर आपको मिल जाएंगी, जहां पर जा करके लॉगिन करके आप सारे डिटेल को जान सकते हैं और फिर उनके जो मानक हैं, उनके जो निर्देश हैं, उनके बताए हुए तरीके से एज अ सेलर अपने आप को वहां पर लिस्ट करा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को, खास करके छोटी पेंटिंग्स को आप बेच सकते हैं, जिससे आपकी कुछ ना कुछ इनकम होती रहे और आप उस इनकम को अपने आर्ट वर्क को बेहतरीन बनाने में, प्रैक्टिस करने में और मार्केट को एक्सप्लोर करने में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी अपने नाम से बनाइए या आउट एंड आउट कॉमर्शियल आर्ट बना करके बेचिए, आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट किया करूं वो आप तक पहुंचा करे, और मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने आर्ट लवर फ्रेंड्स के संग आप उनको शेयर कर सकते हैं, और वीडियोस पे कमेंट करना ना भूलें क्योंकि कमेंट करने से वीडियो की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा स्प्रेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।